एवरीवन, आप सबका स्वागत है केपी क्लासेस में और ये डेमो क्लासेस। और विशेष आपको ध्यान रखना है कि इस क्लासेस के द्वारा आपकी कंपटीशन तैयारी है वो बेहतर करवाई जाएगी। और जैसे वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गए हैं तो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो आज हम देख रहे हैं बहुत ही धांसू ट्रिक हैं जो हम याद करेंगे अभी तुरंत। और ये ध्यान रखना है क्योंकि जो ट्रिक्स होती है वो अगर आप याद कर ले तो एग्ज़ाम में ये ईजी रहता है। और प्रश्न यही आता है कि मौलिक अधिकार, जैसे मान लीजिए कि समानता का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है। अब जैसे पता नहीं या फिर ऐसे सीरियल से याद था, अब बीच में भूल गए, तो बस यही ट्रिक है। यानी इस एक ट्रिक्स के यानी एक लाइन है जिसको आपको याद करना और इसके साथ ही आपके मौलिक अधिकार जो क्रम से हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक ये हैं कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, ये अपने लिए मीनिंगफुल और इसका ही यूज होगा। बाकी ये जो है यहाँ पे ये एक्सटर्नल जोड़ी है ताकि ये पूरा जो लाइन है वो मीनिंगफुल अर्थ के रूप में सामने आए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि अपने वैसे आपको पता है मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, टोटल जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं, तब आपको ध्यान रखना है 3 कौन से भाग में, तीसरे भाग में कितने हैं तो 6, यानी इसके डबल किसने हैं, डबल हो गए। कौन से भाग में 3। अब कौन कौन से हैं कंटिन्यू से हम याद रखेंगे। और आपको ध्यान रखना ये संविधान में दिए हुए टोटल 12 से 35 अनुच्छेद, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यही याद करें, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद को हम यहाँ पे याद करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखिए समस्त, समस्त में आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पे लेंगे सम, क्या लेंगे सम, क्योंकि सम से आता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो पहला यहाँ पे पॉइंट आ गया अपने पास समानता का अधिकार, ठीक है। और अब ध्यान रखना है कि समानता का जो अधिकार है उसको आप अनुच्छेद के रूप में जब याद रखें तो याद रखना है 12 से, ये जो मौलिक अधिकार है इसमें समानता का है वो 14 से लेके 18 तक, कितना है 14 से लेके 18, ये मौलिक अधिकार समानता का हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी हम बात करें समस्त, दूसरी बात करें समस्त यानी स्व, तो स्व से आ जाएगा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। और ये बस सीरियल से याद रखना है, यानी 14 से 18 समानता हो गया तो स्वतंत्रता होगा 19 से 22 तक, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स, सो आ गया, क्या आ गया सो, तो सो से आपको याद रखना है शोध, ठीक है ना। यानी यहाँ पे है जो महत्वपूर्ण जो तीसरा जो अपने अधिकार आ जाता है वो आपको ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ओके फ्रेंड्स। तो ये समझ आ रहा, अब ये भी कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू यानी 22 तक ये हो गया, तो 22 के बाद अब आ गया 23 और 24, तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं सो आ गया, अब द, द से आपको क्या याद रखना है वो यहाँ पे देखिए, द से आ गया धार्मिक स्वतंत्रता, क्या आएगा धार्मिक स्वतंत्रता, और ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू यानी 24 तक तो आ गए अपने यहाँ पे, क्योंकि 24 या शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा 25 से लेकर 28, ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना नेक्स्ट आ रहा है संस्कृति, क्या आ रहा है संस्कृति, तो अब ये ध्यान रखना ये अपना हो गया नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये आ जाएगा आपको ध्यान रखना है 29 से लेके 30, ओके समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो अपना महत्वपूर्ण और
कह सकते हैं संविधान का हृदय और आत्मा। अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा किसे कह दिया, यानी जितने भी जो पूरा संविधान है, इस संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 जो अपना मौलिक अधिकार है, तो इसको हम बात करेंगे उपचार यहां से लेके। तो यहां से आप देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ओके। तो ये समझ आ गया। अब यहां पे 31 है वो यहाँ पे आपको लैप्स करना है क्योंकि वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में यहाँ पे महत्वपूर्ण शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और इसको आप ध्यान रखेंगे। ये अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। इसको माना जाता है किसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने बाकी जो अधिकार है ना, इन सभी अधिकारों की रक्षा और सेफ्टी इस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी आप जब एग्जाम में ही आता है कि बीच में पूछ ले कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, अब यहाँ भूल गए। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप कंटिन्यू अधिकार याद करोगे विद अनुच्छेद के साथ। तो समझ आ गया होगा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।